के हनुमान मंदिर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में भारी तादाद में लोग मौजूद रहे। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान परशुराम छत्तीस बिरादरी के भगवान हैं। भगवान परशुराम ऐसे भगवान हैं जिनकी चर्चा लगभग हर युग में हुई है। उनके वंशज होने के नाते हमारा दायित्व है कि उनके दिए गए संदेशों को जन जन तक पहुँचाने का काम करें। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति सामाजिक जीवन में आता है तो उसे हमेशा समाज के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे मेरे पिता विनोद शर्मा ने हमेशा समाज के गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है, खासकर ब्राह्मण समाज की जो मांगें थीं उनको प्रमुखता से उठाया। कुल 13 मांगें रखी गई थीं, इनमें से 10 मांगें पूरी करवाई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विनोद शर्मा के प्रयासों से आज EBPG के तहत सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। भगवान परशुराम जी हमारे आराध्य हैं और मैं ये मंच से हमेशा कहता हूं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा महत्व है, कि भगवान परशुराम जी सिर्फ हमारे नहीं पर 36 बिरादरी के भगवान हैं, सबके भगवान हैं। कि भगवान सिर्फ किसी एक का नहीं होता, लेकिन हम भगवान परशुराम जी के वंशज हैं और वंशज होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा दायित्व बनता है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो उनकी शिक्षा है, जो उनका आदर्श है, जो उनके जीवन की शैली है, जो उनके जीवन का सार है, उसका प्रचार प्रसार करें। उनका जो संदेश है उसकी पैरोकारी करें। कई जगह ब्राह्मण समाज की अनदेखी हुई है और ऐसा मुझे लगभग 2 साल हुए हैं, अभी पूरे भी नहीं हुए सांसद बने, जब मेरे संज्ञान में ये बात आई तो लगभग 1.5 साल पहले मैंने इस बातकारी की जानकारी लेने की कोशिश की और मैंने लगभग 100 कार्यक्रम किए पूरे 22 जिलों के अंदर, जहां मैं लोगों से जाकर मिला और समझना चाहा कि क्या रोष के कारण है। तो पता लगा कि बातें जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स थी समाज की, वो कहीं ना कहीं सही पटल पे नहीं रखी जा रही थी। इसलिए मैंने पिछले साल 2022 में दिसंबर में भगवान परशुराम जी का महाकुंभ का आयोजन किया, जहां सबसे सलाह करके जो 13 डिमांडें थी समाज की, अन्य डिमांडें थी, उनको उस कार्यक्रम में रखने का काम किया। और मुझे खुशी है कि जब मैंने कार्यक्रम में वो डिमांड रखी तो वहीं मंच से तब के मुख्यमंत्री जी ने 13 में से 10 डिमांड वहीं से मानने का काम किया, मंच से, जो समाज की प्रबल डिमांडें थी। उन्होंने इंटरव्यू सिस्टम की जो कुरीति थी हमारे प्रदेश में उसके खिलाफ आवाज उठाई और लड़ाई लड़ने का काम किया। क्योंकि इंटरव्यू सिस्टम में क्या होता था, आप UPSC में, आप सर्विसेज कमीशन में थे, आपको पता है 1 मिनट का इंटरव्यू का सिस्टम 1 मिनट होता था। 1 मिनट में बच्चे से क्या पूछते थे, उसका नाम और कुछ नहीं, सिर्फ नाम पूछते। और 10वीं पास वाले लोग PhD के बच्चों का इंटरव्यू लेते थे। तो ये कुरीति को खत्म किया ताकि बच्चों को मेरिट पे नौकरी मिल सके, अपनी क्षमता के हिसाब से नौकरी मिल सके, ये व्यवस्था परिवर्तित करने का काम किया। फिर जो धोलीदार का हक था, मालिकाना हक, उसमें भी हमारा ब्राह्मण समाज था, लेकिन हमने 28 और जातियां भी थी, बूंदीदार, बूटीमार और भी थे। और उनको जब 50, 100, 200 साल से लोग उस जमीन पर जुताई भी कर रहे थे, उनका घर भी था, लेकिन मालिकाना हक नहीं मिला, उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया ताकि उनको अपना मालिकाना हक मिल सके। मेरा मानना है कि अगर आप सार्वजनिक जीवन में आए हैं, लोगों से सरोकार रखते हैं, राजनीति में आए हैं, तो आपके आने का औचित्य क्या है? अगर आप पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते, गरीब आदमी की मदद नहीं कर सकते, अपने समाज की मदद नहीं कर सकते, 36 बिरादरी की मदद नहीं कर सकते, तो आपका सार्वजनिक जीवन में आना व्यर्थ है, बेकार, कोई औचित्य नहीं है फिर। और ये शिक्षा मैंने अपने पिताजी पंडित विनोद शर्मा जी से ली। मैं आपको 2-3 चीजों का उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे नौजवान और युवा साथियों को भी पता होना चाहिए कि हमारे बड़ों ने क्या किया है, ताकि वो उससे प्रेरणा ले सके आगे बढ़ने के लिए और अगली पीढ़ी के लिए काम करने के लिए। उन्होंने EPBG का जो पौधा लगाया
जो कि सिर्फ ब्राह्मण परिवारों के लिए नहीं था, उसमें अन्य जातियां भी थी, लेकिन जो बच्चे आर्थिक तौर पे कमजोर हैं उनको महत्व मिले, क्योंकि गरीब आदमी की कोई जाति नहीं होती, गरीब आदमी की तो परिस्थिति होती है, और परिस्थिति को समझने का काम उन्होंने किया। और ईपीबीजी का जो पौधा लगाया सरकार से लड़के, उसके तहत हजारों बच्चों को नौकरियां मिली। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।